अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अब मैं बना रही हूँ ईद गिफ्ट। ईद गिफ्ट के लिए अगर बास्केट हम घर पे तैयार करते हैं तो उसकी तो क्या ही बात है। मैंने यहाँ पे स्वीट का एक खाली डिब्बा ले लिया है और इसके साथ मैंने ले ली है नेट, रेड कलर में, वाइट कलर में, और ये वाली नेट मैंने बारीक वाली ले ली है, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ये गोल्डन लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, ये मैंने ले लिया है। और आप रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, डोरी भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए तैयार कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि हम इसे पैक कैसे करेंगे। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ग्लू गन का, इस नेट को मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है और जितना हमें चाहिए इतना ये देखो मैंने रखा है और बकाया सब अंदर कर दिया और हल्के हल्के से यहाँ पे डाल देंगे हम प्लेट, जैसे फ्रॉक सीते हैं और उस पर बनाते हैं सेम वैसे ही। ये देखें इस तरह से हम बनाते जाएंगे। और इसको ऐसे प्लेट डालते जाएंगे, बहुत कम कम डालें क्योंकि हमें दो तरह की नेट इस पे और यूज करनी है। ऐसे में पूरे डिब्बे पे नेट लगा लूंगी। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे, यहां से काट लेते हैं एक्स्ट्रा को, निकाल दिया और इसे यहाँ पे हमने ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे ग्लू गन लगा देंगे ग्लू से और इसे यहाँ से कर देंगे फोल्ड। ये जो अंदर नेट है इसे मैं बिल्कुल नहीं निकाल रही हूँ, इसे ऐसे ही रखूंगी मैं। और अब इस डोरी को सेट कर लेते हैं, इस वाली लेस को ऐसे मैं लगाते जाऊंगी ग्लू गन से और इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं। अब मैं इसमें रख रही हूँ ये सूट, साथ यहाँ रख देंगे चूड़ियाँ और रख देंगे जनाब ये परफ्यूम, वेरी नाइस, इसकी बहुत अच्छी स्मेल है। ये रख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये वाली चूड़ियाँ रख देते हैं और इसके साथ रख देते हैं ये ब्रोच, ये ब्रोच रख देते हैं यहाँ पे। इसके साथ ये वाला परफ्यूम रख देते हैं, ये परफ्यूम रखेंगे ऐसे और इसे रखते हैं ऐसे। अब इसे करना हमने ऐसे पैक है, हमने इसको ऐसे किया, इसे इसको भी ऐसे साइड से इस साइड पे ऐसे प्रेस कर देंगे ये भी ऐसे ही आप साइड पे प्रेस कर देंगे। इसके अंदर ऐसे हमने चारों साइड से इसको अंदर प्रेस कर दिया है और अब हमने ले ली है ये वाली नेट। ये नेट देखें एक साइड से कम है और एक साइड से मैंने ज़्यादा ली है, चौड़ाई में ज़्यादा है। इसको भी हम थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे इसे और ऐसे इस पे रख देंगे।
अब यहाँ से हमने दोनों को पकड़ा नेट को और ये रिंग है इसे लिया। कोई भी आप खूबसूरत सा रिंग ले सकते हैं और यहाँ से इसे प्रेस कर देंगे। इसकी करेंगे कटिंग। तो ये देखें कितना खूबसूरत तैयार है जी। ये तो हमने कर दिया बड़ों को खुश, अब छोटों को कैसे खुश करना है, छोटों को ईदी कैसे दी जाए कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये ड्रॉ की है डक। आप कोई भी कार्टून करेक्टर जो है बना लें, तो मैं कट कर लूँगी। सब कटिंग कर लिया हमने। अब हमने ये ले लिया है गत्ता चार्ट, जो स्कूल में भी बच्चे यूज करते हैं, ये ले लिया है और इस पे हमने इसे अटैच करना है। इसके लिए मैं ये ट्यूब का यूज कर रही हूँ। इस पे सारा अच्छे से लगा देंगे, इस सब पे लगा के। अब इसको कर लेते हैं डन। यहाँ पे ऐसे अच्छे से इसको प्रेस कर लेते हैं। अब ब्लैक पेंसिल से हमें ये डार्क करना है। ऐसे हमने सबको डार्क कर लिया है और अब इसे कर लेंगे कटिंग इसकी। ऐसे यहाँ से सारी कटिंग कर देंगे इसके साथ साथ। ऐसे कट कर लिया हमने इसे सारा। अब हमने यहाँ पे एक होल करना है इसके हाथ में। यहाँ पे हम एक होल करेंगे। होल करके यहां से हमें एक काटना है। तो यहाँ हमने एक होल बना लिया है। अब हमने लिए पैसे जो हमने ईदी देनी है बच्चों को। ऐसे इसे फोल्ड करेंगे फिर से इतना हम फोल्ड कर लेंगे इसे। ये भी ज़्यादा है, इससे भी थोड़ा कम, ऐसे। और इसे डालेंगे इसके हाथ पे ऐसे, तो ऐसे दे देंगे। और इसी तरह मैंने ये डोनाल्ड डक बना लिया, ये रैबिट बना लिया है, ये माउस बना लिया है। और इसे मैं ऐसे नहीं देने वाली हूँ, इनके साथ मैं एक गिफ्ट पैक बनाऊँगी, उसमें रखती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे गिफ्ट पैक बनाएंगे। ये हो गया तैयार। और मैंने ये ले लिया है ये वाला डिब्बा, साबुन का है और ये हल्का हल्का पेपर लगा हुआ है, लेकिन नो प्रॉब्लम। इस पर हमने गोल्डन स्प्रे करना है, इसलिए नो प्रॉब्लम। तो इसे मैं पेपर कटर का यूज़ कर रही हूँ। पेपर कटर से मैं इसे कर लूँगी सारा यहाँ से कट। ये मैंने पेन से निशान लगा लिया है जितना मुझे चाहिए और इसे मैं यहाँ से काट लूँगी। ऐसे इसे हमने कट कर लिया है। अब इस पर कर देंगे गोल्डन स्प्रे। गोल्डन स्प्रे इस पे कर देंगे। तो इसे हमने कर दिया गोल्डन स्प्रे। यहाँ हमें चाहिए ग्लू गन। ग्लू गन से ऐसे ग्लू लगाते जाएंगे।
यहाँ पे हम लगा रहे हैं ब्लू कलर का रिबन। ये ब्लू रिबन लगा लिया है हमने, रेड टेप ले ली है मैंने। अब ये रेड टेप लगा देंगे यहां से। ऐसे मैं रेड टेप लगा दूंगी इसके साथ साथ। ऐसे हमने लगा दी और इसमें रख देते हैं। अब हमें गिफ्ट क्या रखना है, मैंने ये ब्रेसलेट ले लिया है और ये ब्रेसलेट मैं इसमें रख देती हूँ। ऐसे बंद कर देंगे। ऐसे और इसके साथ मैं रख रही हूँ इसमें कैंडी। जिसे दे रहे हैं उसकी फेवरेट रखें और चॉकलेट्स रख देते हैं। यहाँ चॉकलेट्स रखेंगे और इसके साथ मैं रख रही हूँ ये कीचेन। यहाँ रखेंगे एक कीचेन, ये रख देंगे इसमें ईदी और साथ रखेंगे कैंडीज और एक कीचेन। अब इसे करना है हमने पैक बहुत खूबसूरती से। अब एक नेट ले लेंगे, मैंने यहाँ वाइट कलर की नेट ली है और अब इसे करना है हमने बंद। ऐसे ऐसे उठाते जाएंगे, ठीक जैसे मोमोज बनाते हैं ना वैसे ही आपने नेट को लेना है। अब इसे हमने करना है ऊपर से बंद। हमने ब्लू रिबन लगाया था तो यहाँ भी ब्लू रिबन से हम इसे बंद कर देते हैं। ऐसे एक और गिफ्ट पैक हमारा रेडी हो गया जी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे एक परफ्यूम और हम इसे शीट से कवर कर रहे हैं। शीट जितनी छोटी लें उतनी ही अच्छा है, जितनी छोटी शीट होगी उतना अच्छा है हमारे लिए कि हमें पैकिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शलोशन टेप। यहाँ हम लगा देंगे टेप। और फिर इसको राउंड में टाइट घुमा लेंगे। बस इतना ही। यहाँ पे भी लगा देंगे हम टेप बिल्कुल एंड पे। और यहाँ पे भी बिल्कुल एंड पे हमें टेप लगानी है। ऐसे ऐसे हमने एक टॉफी की शक्ल देनी है इसे। ऐसे और एक नेट ले लेंगे और नेट से इसे बांध देंगे यहाँ से। एक्स्ट्रा जो नेट है इसे हम कट कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा स्टाइल के साथ जो देखने में खूबसूरत लगे। ऐसे कट करेंगे, इसको भी ऐसे ही कट कर लेंगे, ऐसे नेट की कटिंग कर लेंगे और ये बहुत प्यारी लुक आएगी इसकी। अब हमने ये रैबिट लेना है जो हमने बनाया था और इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस ट्यूब को और ये हल्का सा लगाएंगे यहाँ पे और इस पे कर देंगे रैबिट। ये देखें
यहाँ ऐसे ही मैंने एक और परफ्यूम लिया है ये छोटे साइज का, और इसको भी ऐसे ही हम फोल्ड कर देंगे। इसे भी ऐसे ही प्रेस कर देंगे दोनों साइड से, और इसे भी दोनों साइड से नेट से बांधेंगे। और एक्स्ट्रा नेट जो है इसे हम कर लेंगे कट, एक्स्ट्रा मैं काट रही हूँ यहाँ से। ये देखिए ऐसे ये परफ्यूम हमने पैक कर दिया है। यहाँ मैंने एक फ्रूट बास्केट ली है और इसमें मैं रख रही हूँ फ्रूट। ये फ्रूट रख देंगे। इस फ्रूट बास्केट में हम रख देते हैं ये डक, ऐसे ये डक आ जाएगी, और रख देते हैं ये परफ्यूम, और इसे हमने कवर करना है नेट से, और नेट से इसे कर देंगे कवर ऐसे। अब यहाँ पे हम अटैच कर देंगे रिबन ब्लू गन से। यहाँ ये रिबन अटैच करेंगे, इस पे लगा रही हूँ एक स्टोन। ये हमारी फ्रूट बास्केट तैयार हो गई है गिफ्ट देने के लिए, और गिफ्ट भी रख दिया, ईदी भी रख दी, फ्रूट भी रख दिया, और बहुत खूबसूरत लग रहा है।